नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारतीय टीम के लिए बॉक्सिंग डे मैच में जीत दर्ज करना कई मामलों में खास रहा। एक तरफ जहां भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से हराकर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 150वीं जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में बुमराह का खौफ ऐसा बैठा कि वो उनकी गेंदों का सामना करने से डर रहे हैं। अगर सीधे तरीके से कहा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बुमराह के सामने अपने सभी हथियार डाल दिए हैं। आपको बता दें कि मेलबर्न टेस्ट में बुमराह पहली पारी में 6 बल्लेबाजों को, तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 3 बल्लेबाजों को चलता किया। बुमराह के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन पर भारतीय कप्तान कोहली से लेकर विश्व के तमाम दिग्गजों ने उनकी जमकर तारीफ की है। कोहली ने बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि बुमराह विरोधी टीम के लिए खतरनाक गेंदबाज हैं और मैं खुद कभी उनका सामना करना पसंद नहीं करूंगा। कोहली के अलावा दिग्गज पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मैग्रॉ ने बुमराह की गेंदबाजी पर बात करते हुए कहा, बल्लेबाजों के लिए बुमराह का सामना करना बहुत मुश्किल है। बुमराह अच्छी गति से सधी गेंदबाजी करने के साथ साथ खतरनाक यॉर्कर भी करते हैं। मैंने बुमराह जैसा दूसरा गेंदबाज नहीं देखा। वो सधी हुई लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज उनकी गेंद पर शॉट लगाने से पहले 2 दफा जरूर सोचेगा। वो बल्लेबाज पर दबाव बनाते हैं जिसका फायदा टीम को मिलता है। बुमराह ने जिस प्रकार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को परेशान किया है वो सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। बुमराह को अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बुमराह चौथे और अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए बुरा सपना बन उनको जल्दी चलता करते हैं या नहीं।